रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। 10 महाविद्या में भगवती काली, भगवती तारा, भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बाद अगर सबसे ज्यादा किन्हीं की साधना लोग करते हैं तो वो भगवती बगलामुखी की है। बगलामुखी का स्वरूप जो है लोग ये समझते हैं कि दुष्टों के दलन के लिए है। बात भी सही है कि अगर शत्रुओं का नाश करना हो तो बगलामुखी का जो है हम आवाहन करते हैं, और बगलामुखी का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्व दुष्टानां वाचं मुखं स्तंभयः जिह्वा कीलया कीलया बुद्धि नाशय ह्रीं ओम स्वाहा, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें और भी लोग जोड़ते हैं कि मारिय मारिय काटिय काटिय पूछ्य पूछ्य सर्वशत्रुनाम सर्व दुष्टानाम। तो एक विचार बना हुआ है कि बगलामुखी भगवती जो है शत्रु संहार के लिए ही उनका प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम तंत्र शास्त्र को माने, और सबसे ज़्यादा अगर तंत्र को हम मानते हैं तो वो रुद्र यामल तंत्र के हिसाब से मानते हैं, तो बगलामुखी भगवती का जो साधना है वो दो स्वरूप में हम लोगों को करना चाहिए। जो पहला स्वरूप है वो शत्रुमर्दनी का है, लेकिन दूसरा जो स्वरूप है भगवती का वो स्वरूप होता है ऐश्वर्य रूपनी भगवती बगलामुखी का, ठीक है। इसके मंत्र उच्चारण से बिना विधान भी ऐसा माना जाता है कि जो भी कर्म क्षेत्र में आपको रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, जो ऐश्वर्य प्राप्ति में आपको कमी आ रही है या जो भी मनोवांछित कर्म है वो आपके नहीं हो रहे हैं वो तुरंत होने लगते हैं, और अगर इसको विधान पूर्वक 9 दिन किया जाए अनुष्ठान करके तो जो भी मनोवांछित फल है, चाहे वो व्यापारिक हो या वो राजनीतिक हो या किसी भी तरीके से पावर अगर आपको चाहिए तो आपको ये साधना करनी चाहिए, ठीक है। इस साधना के लिए आपको क्या क्या आवश्यक होगा, एक आपको चाहिए बरजोट, जिसको हम लकड़ी का पीढ़ा भी कहते हैं, उसके ऊपर आप एक पीला कपड़ा बिछाएंगे, ठीक है। फिर एक पीतल या तांबे की थाली, उसमें चावल मतलब जो कच्चा चावल होता है बिना टूटा हुआ उसको हल्दी से रंग लेंगे, उसको पीला कर लेंगे और उससे पूरे प्लेट को हम जो परात है उसको भर देंगे। उसके बाद एक रोली लेकर के उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब ट्रायंगल का जो ऊपरी भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा और उसमें बीज लिखेंगे रिंग, ठीक है। ये यंत्र के रूप में हम 9 दिन पूजा करेंगे और इसके आसपास जो है कोई भी सामग्री जो है हिलनी नहीं चाहिए। ये थाली जब तक साधना चल रही है तब तक आपका यथावत होना चाहिए, तो पूजा स्थान वैसे ही जगह पर रखें। सिर्फ जो है आप दक्षिण मुख होकर के इसका पूजा नहीं कर सकते हैं, जब आप पूजन करेंगे तो पीला भोजन, ठीक है, पीला वस्त्र ऐसा रखेंगे, सात्विक रहेंगे हमेशा, और अगर संभव हो तो जहाँ यंत्र आपने बनाया है वहीं पर आप शयन करें जमीन पर, ठीक है। आसन अगर आपको ऊन का पीला मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो काला आसन भी इसमें चलता है। जो भगवती के यंत्र के आसपास सामग्री रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके वाम भाग में ऊपर की तरफ एक तांबे के लोटे में आप सिक्कों को भर के रखेंगे, ठीक है। दाहिने हाथ में ऊपर की तरफ मतलब ऊपर का जो कोना है उस यंत्र का, उस तरफ में जो है आप जो कौड़ी होता है उसको भर के रखेंगे, ठीक है। बाएं हाथ नीचे की तरफ जो है आप कोई भी पीला फल या फिर पीला मिठाई जो है वो भगवती को अर्पण करने के लिए रखेंगे, और दाहिने हाथ में नीचे की तरफ आप घी का दीपक रखेंगे, ठीक। उसी के और दाहिने हाथ में अगर आप चाहते हैं कि आप कोई धूप जलाएं तो वो आप जलाइएगा। आपको जाप के लिए एक पीली हल्दी का जो है वो माला चाहिए होगा, चाहे तो आप हल्दी खरीद लें पूरा वाला, उसको बांध करके जो है 54 का एक माला बना लें जाप, हालांकि आपको 108 की गिनती में करना होगा जब मैं एक माला बोलूँगा।
या फिर पीली हल्दी का माला जो मार्केट में मिलता है वो आप खरीद लें। आप पीला हकीक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब इतना आप कर लेंगे तो रात्रि में 11 बजे, ठीक है, इस साधना को आप शुरुआत करेंगे कृष्ण पक्ष में। इसको शुक्ल पक्ष में शुरू नहीं करेंगे, कृष्ण पक्ष में करेंगे। बृहस्पतिवार को करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। सबसे पहले विनियोग करेंगे भगवती का, दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और उसके बाद बोलेंगे ओम अस्य श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी मंत्रस्य भैरव ऋषि विराट छंदः श्री बगलामुखी देवता क्लिंग बीजम ऐं शक्ति श्रृं कीलिकम मम मनोभिष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे विनयोग, ठीक है। उसके बाद ऋषियादि न्यास करेंगे। भैरव ऋषे नमः सिरसी, सर का स्पर्श दाहिने हाथ से। विराट छंदन से नमः मुखे, मुख का स्पर्श। श्री बगलामुखी देवतायै नमः, हृदय का स्पर्श। क्लिंग बीजाय नमः, टेल बोन का स्पर्श। ऐं शक्तये नमः, दोनों पैरों का स्पर्श। श्रृं कील कायै नमः, नाभि का स्पर्श। विनियोगाय नमः, सर्वांगे, पूरा जो शरीर है उसका स्पर्श हम लोग कर लेंगे। फिर करन्यास करेंगे तो जब अंगूठा छुएंगे तो बोलेंगे ह्रांग, फिर जब तर्जनी छुएंगे तो ह्रिंग, मध्यमा छुएंगे तो ह्रुंग, रिंग फिंगर छुएंगे तो ह्रोंग, और जब तो ह्रांग ह्रिंग ह्रुंग रैंग ह्रोंग अनामिका, और फिर दोनों हाथों को स्पर्श करते वक्त ह्रह। जो ये साधना विधान कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको पंच पूजा का विधान पहले ही से पता होगा कि किस क्रम में आप भगवती को धूप दीप नवेद पुष्प और चंदन जो है पीला चंदन वो चढ़ाएंगे। इसके अलावा जो गुरु पंक्ति प्रणाम होता है, गणपति प्रणाम होता है, जो ये सब आप लोग करते होंगे, ये मुझे उम्मीद है आपकी आपके ज्ञान में ये सब होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जो साधक है वही ऐसी साधना कर सकता है। बहरहाल उसके बाद आप 21 माला का जो है जाप करेंगे, और जो मंत्र है वो 3 बार आपको सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। ओम ह्रिंग ऐं श्रृं क्लिंग श्री बगला नने मम रिपुन नाश्य नाश्य मम ऐश्वर्यानी देहि देहि शीघ्रम मनोवांछित कार्यम साध्य साध्य ह्रिं स्वाहा। ओम ह्रिं ऐं श्रृं क्लिं श्री बगलानने मम रिपुन नाश्य नाश्य मम ऐश्वर्यानी देहि देहि शीघ्रम मनोवांछित कार्यम साध्य साध्य ह्रिं स्वाहा। एक अंतिम बार सुनिए। ओम ह्रिं ऐं श्रृं क्लिं बगलानने मम रिपुन नाश्य नाश्य मम ऐश्वर्यानी देहि देहि शीघ्रम मनोवांछित कार्यम साध्य साध्य ह्रिं स्वाहा। साधना करने के बाद आप सब जो है आम की लकड़ी पर दशांश हवन करेंगे और उसमें प्रयोग करेंगे जितने भी आपको पीली अभिष्ट वस्तुएं मिलती हैं, जैसे जो गोटा हल्दी होता है वो, साथ में गेंदा का पुष्प, मधु, पीला सरसों, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। और उसके बाद दाहिने हाथ से पांचों उंगली को स्पर्श कराते हुए हवन कुंड में आहुति देंगे। ऐसा करने से जो है आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जिस तरीके से ये यंत्र हमने बनाया था चावल पर, वैसे ही आप उसके बाद एक यंत्र को हवन के समय भोजपत्र पर बनाएंगे और उसको उसके बाद धारण करेंगे या जहाँ भी आपको रखना है रखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो आपका आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाता है इस एक यंत्र से। और ऐश्वर्य और धन का तो मतलब कहना ही नहीं है, ये बहुत लोगों ने इसका प्रयोग किया है और बहुत उससे लाभ भी प्राप्त किया है। आप भी इसको करें। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का शुरुआती मंत्र सीखना है, तंत्र सीखना, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। यहाँ पर जो साधना का शुरुआती आयाम है, जैसे कि यंत्र कैसे बनाते हैं, मंत्र कौन से प्रयोग होते हैं, हवन कैसे करते हैं, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए, ये हम आपको सिखाते हैं। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए वो 9431188585 पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कॉल मी फॉर ऐप पर rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव और बगला मुखी आप लोगों को सुरक्षित रखे, ऐसे प्रार्थना आप सबको। आदेश आदेश अलग आदेश।